हैं वो लोग अपने फिल्म इंडस्ट्री से पैसे बनाते भी हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाते भी हैं. इट्स वन ऑफ देयर बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड. दे आर द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज. ये उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया एक दरख्त की तरह, एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावर दरख्त बनाया है. हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जाना है. अभी आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रहे एक परचर्चा का कुछ अंश सुना जो भारत के सिनेमा जगत बॉलीवुड पर केंद्रित है. पाकिस्तान लगता है अब पूरी तरह इंडोफोबिया से ग्रस्त हो गया है. भारत के हर चीज़ से उसे डर लगने लगा है, चाहे वह भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत का विश्व में सम्मान हो, चाहे भारत की शिक्षा हो, चाहे भारत के प्रवासी लोगों का बाहर की दुनिया में दबदबा हो, और चाहे भारत का मिलिट्री पावर हो. उसी क्रम में एक और नाम जुड़ गया है, वह है बॉलीवुड. अब पाकिस्तान को भारत के बॉलीवुड से भी डर लगने लगा है. आइए सुनते हैं आगे की परिचर्चा में किस तरह इस डर का प्रगटीकरण हो रहा है. सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है. अगर आपने किसी भी ममालिक के किसी भी हुकूमत के पॉलिसी में शिफ्ट देखना हो तो वहां की फिल्मों पे आप नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो हुकूमत सोच क्या रही. कोब्राय साहब, एक नया प्रोजेक्ट बालाकोट स्ट्राइक पर जो अभिनंदन के हवाले से ये लॉन्च करने जा रहे हैं और ये भी एक फिल्म बनाई जाएगी, तो ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये 3-4 प्रोजेक्ट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं. जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मौजूद है. और अगर मैं इससे आगे बढ़ के कहूं तो मुझे लगता है कि पॉलिसी ये फैसले किए गए हैं कि अब इस तरीके से इस नैरेटिव को आगे लेकर बढ़ना है भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने. पाकिस्तान की तैयारी क्या है, लेकिन ये आप समझते हैं कोइंसिडेंस है कि ऊपर नीचे 3-4 इस तरह से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये कुछ ये कोई डिसीजन हुआ है कि अब इस इधर भी जरा जो है थोड़ा सा मेहनत करनी है इन्होंने. अचानक तो नहीं बनी होंगी ये फिल्में, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस हैं जो कि नेटफ्लिक्स के लिए बनाई जा रही हैं, विच इज़ यू नो ओपन टू अ वर्ल्ड ऑडियंस. लाइक नेटफ्लिक्स पे दुनिया भर है. आपको अब ये नहीं है कि सिर्फ अगर इंडिया के सिनेमाज में लग रही है, इंटरनेशनल कहीं पे चीज़ लग रही है तो पीपल हैव टू गो एंड पे द टिकट एंड गो वॉच द मूवीज. इट्स वेरी इजी, आपके हाथ में फ़ोन है और फ़ोन पे नेटफ्लिक्स है जो कि दुनिया भर में है, और उस पर इस तरह के जो प्रॉपर इन्होंने जो एजेंडा बनाया हुआ है उस पर काम हो रहा है. और आप टाइमिंग चेक करें द स्ट्रैटेजी कि उन्होंने इस तरह से उसको टाइम किया हुआ था कि जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो सेक्रेड गेम्स 2 है, चाहे वो बार, तो ये नैरेटिव जो है, ये जो इनका एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक पूरा एजेंडा है, दिस इज़ ओनली टू इन्फ्लुएंस देयर ओन पीपल, ऑफ कोर्स द मासेस. क्योंकि जब इस तरह की फिल्में दिखाते हैं तो ये माइंडसेट्स बना रहे हैं, लोगों के एटीट्यूड्स चेंज कर रहे हैं. और कि सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया भर में ओनली फिल्म्स इज़ द विंडो वेयर दे कैन सी हाउ अ नेशन इज और हाउ अ कंट्री इज और हाउ द पीपल आर. तो ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर कहेंगे इसको, लेकिन इट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत चीज़ों को टैक्टफुली देखा जाता है और किया जाता है. और आई थिंक हमें भी इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज हम पीछे रह जाएंगे इस तरह. हमारे नैरेटिव, हम काउंटर नैरेटिव इन सब फिल्म्स का कौन देगा, हमें देना पड़ेगा. और हमें वी शुड बी मेकिंग फिल्म्स फॉर नेटफ्लिक्स सो दैट द होल वर्ल्ड कैन सी कि हम कैसे लोग हैं और हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो सामने लाने की जरूरत है. बिल्कुल, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर भी हमें सोचना है महविश, बिकॉज एक तो वो मार्केट बहुत बड़ी है, फिर उधर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फिर वहाँ जो सोसाइटी है वहाँ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है. उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया एक दरख्त की तरह, एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावर दरख्त बनाया है. हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जाना है, तो अब वो हमें नजर आ रहा है कि जी वो जो पॉलिसियां थी अब वो हमारे सामने आ गई. Nobody is perfect, no country is perfect. लेकिन उन चीज़ों के होते हुए एक वेस्ट में अपनी एक ऐसी इमेज रखना विच इज़ यू नो कि टॉलरेंट हैं, कि बहुत फन लविंग हैं, ओपन हैं, एक्सेप्टेबल हैं, वेलकमिंग हैं, वार्म हैं, यू नो वी सेलिब्रेट. उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा है विच इज़ मोर अडेप्टेबल टू द वेस्ट. हम लोगों को ऑन द अदर हैंड इट वॉज वी ऑलवेज बिन शोन एज विलन्स, ऑलवेज बीन पीपल जो कि जिनके सब्जुगेटेड ख़वातीन हैं, जहाँ पे जो है वो कोई हुकूक नहीं है, माइनॉरिटीज़ चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, हर कुछ हमें ना एक बहुत ही एक अलग मिसरिप्रजेंट किया गया है, अलग एक
मखलूक दिखाया गया है इतने सालों से, वेदर इट्स हॉलीवुड और बॉलीवुड. तो वाकई ये चीज़ें हमें, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि हमें तो यही नहीं पता था कि सिनेमा का पावर क्या है या सिनेमा को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. अब जाके वो चीज़ एक्टिवेट हो गई है आफ्टर द रिवाइवल, दैट वी हैव दैट टूल जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड बिल्कुल सही बात है कि बजट्स हैं, वो लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से पैसे बनाते भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाते भी हैं. इट्स वन ऑफ देयर बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, देयर द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज. तो हम लोग अभी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते. आई थिंक इट्स वेरी मच अंडर कंट्रोल, इट कैन बी कर नहीं सकते. यही मेरा अगला सवाल था, क्या करना होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स टू कैच देम या उस लेवल तक जाने में भी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आगाज तो करना है. क्या करना होगा? हम सबको कलेक्टिवली इस पे काम करने की ज़रूरत है. हम देखिए, नेटफ्लिक्स एक ऐसी चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे हमारी कुछ फिल्में भी लगी हैं, केक लगी और दो तीन फिल्में भी लगी हैं. तो वी हैव अ प्लेटफॉर्म जो कि वर्ल्ड ऑडियंस, इट्स ओपन टू वर्ल्ड ऑडियंस. तो हमें ज़रूरी है कि हम फिल्म्स बनाएं और हम फोकस करें वेस्ट पे. वी हैव बीन टू फोकस्ड ऑन आवर ओन ऑडियंसेस. हमारे लोगों को पता है कि हमारा कल्चर कैसा है, हम कैसे लोग हैं, सारा कुछ है. लेकिन वेस्ट में जो एक मिसकंसेप्शन है, उसको चेंज करने के लिए जरूरी है कि फॉर नेटफ्लिक्स वी शो द राइट, पोर्ट्रे द राइट इमेज. इतनी सारी चीजें हैं, सो वी नीड टू हाईलाइट ऑल ऑफ दोस. ये आपने बात अच्छी की, ये जो हमारी खवातीन, आपने जो नुक्ता उठाया ना, मैं भी बड़ा अच्छा, आपने कहा कि हम बहुत फोकस्ड हैं अपने ही ऑडियंस के लिए. अभी हम अपनी ऑडियंस के लिए ज्यादा फिल्म बनाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस अभी हमारे रेडार पे नहीं है. लेकिन लगता है कि अब हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब हर तरफ जो कंटेंट है वो किसी भी सरहद का पाबंद नहीं है. अगर आप बंद भी कर देंगे कंटेंट, लोग देख लेंगे, एक्सेस उन तक होगा. तो अब वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबल नाउ, जो भारत 20 साल पहले सोच चुका था. क्योंकि दे हैव बीन डूइंग इट, दे हैव बीन वेरी स्मार्ट अबाउट इट. और उन्होंने उस चीज़ को जिस तरह दे हैव सक्सीडेड इन कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी ओपन नेशन, एंड यू नो दे हैव ऑलवेज बीन शोइंग द ब्यूटी ऑफ देयर ओन कंट्री. और वो हर चीज़ पे उन्होंने कैश किया है, उनका टूरिज्म इज फ्लरिशिंग, दे हैव एवरीथिंग वर्किंग फॉर देम बिकॉज ऑफ द पोर्ट्रेयल हाउ दे पुट. सो या वी नीड टू मेक मूवीज अबाउट पाकिस्तान एंड नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान. नीड टू राइट कंटेंट जो है अपना, देखिए हम लोगों का ना ब्रेन एटीट्यूड बना. थैंक यू बहुत शुक्रिया. अभी आपने जो सुना उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि भारत के बॉलीवुड के दिनों दिन बढ़ते प्रभाव के कारण पाकिस्तान मीडिया में किस तरह की छटपटाहट है. इस छटपटाहट का कारण वह तो है ही जिसकी परिचर्चा में बताया जा रहा है, पर असली कारण इस छटपटाहट का उस दिन से ज़्यादा दिखने लगा जब भारत ने पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ आना बंद कर दिया. एक समय ऐसा भी आया था कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के सिनेमा जगत के लोगों के साथ उठना बैठना अपनी शान समझते थे. कहा जाता है कि उनको मॉडलिंग का भी ऑफर मिला था और वे भारत के सिनेमा में काम करने के लिए किसी अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे थे. आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के एक चर्चित साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के सिनेमा जगत को बचाने के लिए नेटफ्लिक्स और अमेजन से गुहार लगाई है. पाकिस्तान में लगभग अभी 150 सिनेमाघर हैं, पर पाकिस्तान में केवल 22 फिल्में ही प्रतिवर्ष बनती है. पहले सारे सिनेमाघर में बॉलीवुड की मूवी चलती थी और उनका रोजगार भी चलता था. अब सिनेमा में केवल 22 बनती हैं, जिसमें से 3-4 ही हिट होती हैं और बाकी सब एक सप्ताह के बाद बैठ जाती हैं. भारत में उसके विपरीत करीब 1000 सिनेमा प्रतिवर्ष बनाए जाते हैं. अब भारत धीरे धीरे तकनीकी तथा कंटेंट के मामले में भी हॉलीवुड के टक्कर देने की स्थिति में हो रहा है. भारत के अभिनेताओं को भी अब हॉलीवुड से भी सम्मानजनक रोल बड़े बैनर्स द्वारा ऑफर किया जा रहा है. भारत की क्षमता की पहचान अब सिनेमा के क्षेत्र में भी विदेशों में होने लगी है. आज का भारत सक्षम भारत है, सफल भारत है, हमें इस पर गर्व है. आइए भारत को और सक्षम और सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करें. धन्यवाद. जय हिंद.